राम जी का भैया राम जी भाई जय राम जय राम जय राम भाई काहिन काम कराई है अरे रे साफ कर दूंगा आहा वैसा टमाटर नहीं थूंगा पहले देगा फुर्सत में होते तो मोला गड्ढा भराई जाए बता देती गा ना महू आए कर तो काम बताना भर है जैसे का चली होला आहा भरबो ने हां ने चली हां चल तो भराई करी अब चली भाई खेत में जाबो ने हां भैया जी खिला कसना है जे पेला हमने आज बोला था आने का आज तुम बोला कि गड्ढे हो गए साहब पूरे हमारे तो भरने ठीक है आज बता देते पूरे गड्ढे कर लेते हैं अपन ठीक है चलो बता चलो हो गए 50 गड्ढे तो हो गए ना अपने पूरे जी साहब एक बचा नहीं है ना नहीं बचा है एक भी नहीं बचा के रखना है पूरे 50 चाहिए गड्ढे जी साहब हो गए बढ़िया सूख गए जी साहब ठीक है अपन खाद भर देते उसमें अभी है जी अपन ने दवाई दी है ना जी कहाँ रखी है वो है साहब चलो वो दवाई लेके आओ ये है अपनी क्लोरोपाइरी फाल बोलते इसको ठीक है जी ये एक जहर है ठीक है तो इसको कैसे करना है हाथ में एक पन्नी डालनी है जी और मुंह पे अपना गमछा बांधना है ठीक है उसको बांध के और हाथ में पन्नी डाल के अपनी जो 100 ग्राम होती है जी 100 ग्राम की कितनी बनेगी एक कप जितनी बनेगी ठीक है जैसे अपना कप होता है ना चाय पीने का तो बस उसकी जो है ये दवाई निकाल के अपनी चारों जो दीवाले है ना ये गड्ढे की उस पर छिड़कनी है ठीक है उसके बाद क्या करना है थोड़ी बहुत नीचे है तो नीचे में भी उसको छिटक दो ठीक है तो ये हो जाएगा अपना एक गड्ढे का ट्रीटमेंट पहले से तो एक महीने में हो गया उसके बाद ये भी ट्रीटमेंट कर देंगे ठीक है तो ये कर दो उसको चलो एक गमछा ले लो एक पन्नी ले लो ठीक है ये पन्नी हाथ में डाल दो पहले गमछा बांध दो ठीक है मुंह पे मुंह और नाक पूरा बंद होना चाहिए ताकि हवा चलती है कुछ चलती है तो अपने मुंह पे नहीं जानी चाहिए दवाई अगर पूरी मुंह पे चली गई ना तो अपने के लिए हानिकारक है क्योंकि वो जहर है ठीक तो ऐसे कर लो पन्नी डाल दो हाथ जैसा हमने बताया था है ना उस प्रकार से चारों दीवारों पे डाल दो या कीटनाशक डालने से फिर काहिन काहिन मर जाता है वो कीटनाशक डालने से जो भी बचे कुचे जो कीड़े हैं दीमक है हाँ। है ना वो सब मर जाएंगे और दीमक भी नहीं आएगी इसके गड्ढे में ठीक है अपना एक ट्रीटमेंट हो गया ये बोन मिल है जिसको हड्डी का चूरा भी बोलते हैं हड्डी वाली खाद है ठीक है उसके बाद ये है ये नीम की खली है जी इसको नीम खली बोलते हैं जो अपनी कड़वी नीम रही थी ना हमने पहले शुरू में आपको बताया था कि इस प्रकार की खाद देंगे ये नीम की खली है इसके बाद ये सिंगल सुपर फास्फेट खाद है राकड़ खाद तुम लोग जिसको बोलते हो ये सभी एक एक किलो मिला के इकट्ठा मिला देने हैं ठीक है तीनों जो है खाद इकट्ठा मिला दो आप मिला दो मिला लो तीनों खाद मिला दो इसके बाद ये भी खाद मिला दो ये 3 किलो खाद हो गई पूरी ठीक है इसको अच्छे से हाथ से मिला लो इसमें कुछ नहीं होता अच्छी मिला लो जी मिल गया सर मिल गया जी पहले हाँ। बारे मिट्टी में आया था ये पहले पिट वाली मिट्टी है पहले पिट में ऐसे अच्छे से मिला जी हाँ। मिला ये खाद मिला था यहाँ अब हो गया है हो गया जी हाँ। अब इसको खींचो इसको खींचो यहाँ नीचे से ऐसे एक साइड से ऐसे पूरी खींच लो खाद नहीं बचनी चाहिए नीचे जी सर या पहले फिट वाली मिट्टी पहले फिट वाली इसको लेवल कर हाँ। ठीक है जी अच्छा अब हो गया सर अब हो गया अब दूसरे फिट की मिट्टी अब या दूसरे फिट की माटी आए हाँ।
हमारा हन हाँ। ये दवाई डालता है ना हाँ, इसमें डाल दो पूरे हाँ। मिला दो और एक बार ऐसे जैसे वहाँ जी हाँ, ना जी हाँ ऐसे इसमें भी मिला दो पूरे अच्छे से मिला दो ऐसे दूसरा फिट की मिट्टी आए मिला पूरे डाल हुई है बराबर करके फिर बोला था दूसरा फिट की माटी है बराबर करते हैं ऊपर फिट की माटी फिट की मिट्टी इसमें भी नहीं आखिरी ऊपर रही है अच्छा ऊपर डाल नहेला दवाई मिलाई थी ये ला भी हम गड्ढा में भरते हैं ऊपर साइड है नीचे की माटी आ जाए हाँ आखिरी नीचे की मिट्टी अब दोनों फिट की मिट्टी डाल दी ना ये डंडा ले लो ठीक है ये डंडा पकड़ो और इसको बिल्कुल बीचों बीच गड्ढे के बीचों बीच लगा दो तीन फीट के है साहब ने हाँ हाँ या आखिरी ऊपर माटी आखिरी मिट्टी खींचना चालू कर दो यहाँ आखिरी नीचे क्या है ये ऊपर रही है मिट्टी ऊपर रही है हाँ, ये पूरी मिट्टी अपन ने तीनों फीट की मिट्टी जी हाँ, अलग अलग करके हाँ, डाल दिया ठीक है जी हाँ, तो ऐसे है हर गड्ढे का अपन को ऐसे ही करना है जी हाँ, पूरी मिट्टी जो है गड्ढे के ऊपर तक आनी चाहिए जी हाँ, ऐसे जैसे अपन झोपड़ी बनाते हैं ना झोपड़ी टाइप से अपना एक गड्ढा होना चाहिए जब बारिश भी हो जाएगी तब भी ये पूरा भर जाएगा तो अपन को पता चल जाएगा कि हमने ये जो कुट्टी लगाई है इसी में अपन का सेंटर है गड्ढे का है ना जब पौधा आएगा है ना पौधा आएगा उस समय अपन ये कुट्टी निकाल के उसमें लगा देना पौधा कितना दिन बाद आए साहब पौधा लगाने का टाइम होता है दादा 15 जुलाई के बाद ठीक है तो अच्छी दो बारिश बढ़िया हो जाएगी जमीन में पूरी नमी आ जाएगी उस समय अपन पौधा यहाँ पे लगवा देंगे 15 जुलाई के बाद में जी। अभी टाइम है पौधा आने में जी। बारिश जी हो जाएगी फिर पौधा पालने में कोई दिक्कत नहीं है जैसे पौधा आता है बढ़िया कुट्टी निकाल दो इसी जगह पे अपन लगा देंगे तो हर गड्ढे की मिट्टी ऐसी भरनी है जी। ऐसे ही सेंटर पे डंडा लगाना है जी। पूरा दो बस चार पांच दिनों में आप पूरे गड्ढे भर दो ठीक है जी। ओके फिर उसमें जुताई कर दो बोनी कर दो कोई भी फसल लगा दो जी। सब फसल लगा लीजिए धन्यवाद साहब हम अच्छी जानकारी दी पौधा लगाए ला चलो ठीक है जी नमस्ते साहब ऐसे पूरे गड्ढे भर देगा जी जी चलिए साहब चलिए